माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में आपने जम्मू कश्मीर से संबंधित जम्मू कश्मीर संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2023 को सदन में विचार के लिए अनुमति दिया, उस पर चर्चा हुई और इस चर्चा में संयुक्त रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संबंधित जो विधेयक है, दोनों विधेयक के ऊपर माननीय सदस्यों ने चर्चा किया और इस चर्चा में माननीय अधीर रंजन सहित 20 से अधिक माननीय सदस्यों ने भाग लिया और सबने अपने अपने विचार दिया और कुल मिलाकर के मैं इस बात से इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि लगभग सभी माननीय सदस्यों ने इस बिल का समर्थन किया है, पर कुछ बिंदु कुछ विषय भी इनके माध्यम से आए हैं। बहुत सारे विषय के संदर्भ में माननीय हमारे वरीय मंत्री वीरेंद्र जी ने सदन के समक्ष रखा। मैं कुछ बातों को स्पष्ट करते हुए ही संक्षिप्त में अपनी बातों को सदन में रखना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने जिस दृढ़ता के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है इस संदेश को न केवल देशवासी बल्कि दुनिया को देने का कार्य किया, धारा 370 और 35A को हटाकर। और इसलिए आज देश में, जैसे अभी पिछले दिनों इसी सदन में भारतीय न्याय संहिता पारित हुआ, भारतीय न्याय संहिता इसके पहले धारा 370 के पहले यदि होता तो उसमें यह लिखना पड़ता जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। लेकिन अब जो भी कानून इस देश के पार्लियामेंट में बनेगा वो पूरे देश के लिए बनेगा, यह कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। आज तो कुछ लोग भारत जोड़ो यात्रा के नाम से राजनीति करने के लिए, नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है, ये वास्तव में भारत जोड़ो यात्रा किस तरह का इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और आज मुझे सूचना मिली कि एक भारत जोड़ो यात्रा के जो नेतृत्व कर रहे हैं वो खूंटी के धरती पर गए और खूंटी के धरती पर जाकर के उन्होंने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को तो बताया, पर बिरसा मुंडा के जन्मभूमि पर जाने की उनकी इच्छा नहीं हुई और वहां जहां पर 15 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मभूमि उलिहातु में जाकर उस मिट्टी को तिलक लगाकर अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति पीएम जनमन के माध्यम से प्रिमिटिव ट्राइब्स वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए 24,000 करोड़ की योजना प्रारंभ की और आज एक गए वहां पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके जन्मभूमि उलिहातु में जाने का फुर्सत नहीं मिला। ये उनके भारत जोड़ो का विवरण, ये दिख रहा है कि देश को किस नजरिए से देखा जाता है। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, आज ये जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों से संबंधित जो विधेयक है,
यह विधेयक इस संदेश के साथ है कि सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए और सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास के माध्यम से देश आगे बढ़ना चाहिए। आज जिन सूची में शामिल करने के लिए आज सदन में चर्चा हुई है, इसके माध्यम से आज जम्मू कश्मीर को न्याय मिले। जम्मू कश्मीर, कश्मीर जिसको कहा जाता है कि वो कश्मीर कश्यप ऋषि का तपोभूमि है, उस कश्यप ऋषि को सम्मान देने का काम आज ये जनजाति और अनुसूचित जाति के विधेयक के माध्यम से किया जा रहा है। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए करना चाहता हूँ कि हमारे विधानों में जिस किसी को भी कोई गोत्र के बारे में पूछा जाता है, वो यदि नहीं बताए तो उसका पूजा पद्धति कश्यप गोत्र के माध्यम से होता है, और वो कश्मीर जो कश्यप ऋषि के नाम से है, वहाँ आज वहाँ के जनता को न्याय मिलने का काम। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं, जो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे गुजर बकरवाल गद्दी समुदाय के लोग हैं, मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उन्हें शिक्षा में, नौकरी में उसके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बल्कि इन सारे जो अभी हम जिनको सम्मिलित कर रहे हैं न्याय देने के लिए, उनके लिए भी व्यवस्था होगी और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बरकरार रहेगी। और इसके साथ साथ ही जिसका उल्लेख माननीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी ने किया कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन नीचे से लेकर ऊपर तक सभी को मिलेगा, ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो नहीं मिलता था वो वहां पर मिलेगा। तो संवैधानिक अधिकार का पूर्ण स्वरूप वहां पर प्रतिबिंब होगा, दिखाई देगा इस विधेयक के माध्यम से। अध्यक्ष महोदय, जम्मू कश्मीर से 370 हटाकर इस देश को एक समग्र शक्ति बनाकर जो देश आगे बढ़ रहा है, इस विधेयक का मूल आधार है, और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर जिस तरीके से लोगों का विश्वास बढ़ा है, जिस तरीके से लोग वहां आत्मविश्वास के साथ संकल्प ले रहे, जिसका आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र के साथ प्रारंभ किया है, वो सार्थक रूप से दिखाई दे। मैं इस अवसर पर माननीय खासकर अधीर रंजन जी को भी थोड़ा धीर रहने के लिए निवेदन करूंगा। वो इसलिए कहूंगा कि आप लद्दाख किस मनसे से आप उसका जिक्र कर रहे हैं, आपकी उसमें मंशा क्या है? धारा 370 के माध्यम से आपने, आपको जितना निचोड़ना था लद्दाख को आपने निचोड़ा, आज जब लद्दाख को न्याय मिल रहा है तो आपको उसमें परेशानी हो रही है। लद्दाख के बारे में जितना चिंता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में यह सरकार करेगी, दूसरा सरकार या पिछले शासन में आपने कभी नहीं किया। इसलिए मैं इस सदन में निश्चित रूप से कहूंगा, आज जो एक ऐतिहासिक फैसला जम्मू एंड कश्मीर के शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के संबंध में हो रहा है, माननीय सदस्यों ने समर्थन दिया है, लेकिन अब जब विधेयक को पारित किया जाएगा, मैं निवेदन करता हूं कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइटम नंबर